consonant. Is called this consonant cluster is called consonant cluster. The combination of one then more vowel is called consonant cluster. Okay, for example हमारे साथ देखो यहाँ पे strong स्ट्रॉन्ग वर्ड है. अब देखो ये भी हमारे साथ कॉन्सोनेंट है, ये भी हमारे साथ कॉन्सोनेंट है, और ये भी हमारे साथ कॉन्सोनेंट है, और ये वन देन मोर है ना. ओके ये वन देन मोर है ना. अगर ये सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होता, सिर्फ एस होता, तो फिर ये हमारे साथ कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं होता. लेकिन ये हमारे साथ जो है बहुत सारे जो है कॉन्सोनेंट आए हैं, तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. एस टी आर को हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. समझ आ गई बात, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. ओके अच्छा, अब देखो यहाँ पे वोवल आया है, तो वोवल को नहीं काउंट करेंगे. देखो यहाँ पे हमारे साथ एन जी भी हमारे साथ कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, वन देन मोर है ना, ये भी हमारे साथ कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. ओके ये भी हमारे साथ कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. ओके अच्छा गर्ल्स, अब देखो ये हमारे साथ वर्ड के पहले में आया है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनिशियल. इनिशियल हम कहते हैं इब्तिदाई को. ओके यहाँ पे मैं आई भूल गई हूँ. इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन से हैं, इब्तिदाई कॉन्सोनेंट क्लस्टर इस वर्ड में कौन से हैं, एस टी आर है. ओके और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन से हैं इस वर्ड में, आखिरी आखिरी कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन से हैं, ये है एन जी. ओके ये है एन जी. ओके तो हम इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं जो वर्ड के पहले में आए हो, और फाइनल उसको कहते हैं जो वर्ड के आखिर में आए हो. ओके दोबारा मैं रिवाइज कर लूँ. कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज द कम्बिनेशन ऑफ वन देन मोर वोवल. ओके फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में एस टी आर जो है ये हमारे साथ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, और एन जी जो है वो हमारे साथ फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है.